हेलो फ्रेंड गुड इवनिंग नमस्कार मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर तो फ्रेंड यह है शाम का वीडियो जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और फ्रेंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मसाले सारे और यह है बेसन और ये बेसन Uh, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था मैंने कहा चलो इसका यूज किया जाए बेसन की बनाई है पकौड़ियाँ तो किसको किसको खाना है बेसन की पकौड़िया आ जाओ खाने के लिए और फिर उसके बाद मैं बेसन डालने लगी हूँ और बेसन के साथ में इसमें देख रही हूँ डिब्बे को खाली कर दूँगी और जो भी इसका कूड़ा है उसको उठा कर डस्टबिन में डाल दूँगी मतलब डिब्बा साफ़ हो जाएगा क्योंकि उसमें रखा हुआ था इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली क्योंकि पीलापन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और फिर उसके बाद इसमें डालें नमक जीरा और सबसे मेन चीज़ हींग हींग जरूर डालें क्योंकि बेसन है बेसन थोड़ा गैस्ट्रिक भोजन होता इसके लिए इसमें मैंने डाली है हींग और ये सब मिला के और बनाएंगे गर्मा गर्म, गर्म पकौड़िया चाय के साथ खाएंगे कितने लोगों को पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा रोज़ तो नहीं खाते मगर कभी कभी हम लोग खा लेते हैं तो फ्रेंड आ, अगर आप इसे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और ये देखो यहाँ पे हींग को तोड़ रहे थे क्योंकि हींग जो है वो ढोके वाली थी ढोके वाली यानी कि मतलब टाइट वाली थी हींग और उसको अब इन सबको मिला के मैं अब बनाऊँगी गर्मा गर्म पकौड़िया तो आ जाओ खाने के फिर उसके बाद इसको मैं मेस लूँगी यानी कि अच्छे से मिला लूँगी और फिर बनाऊँगी और मेरे बच्चे इतना वो हैं जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ उसी समय मेरे बच्चे भुनूर भनार टनूर टनूर लगाए ही रहते जा जितना भी इन लोगों को कुछ समझता ही नहीं उसी समय में और इस समय मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और प्लीज़ फ्रेंड आप लोग सपोर्ट करें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस साइड मैंने रख दिए चाय तो चाय मेरी बनती रहेगी और इधर अदरक में कूट के डाल दूँगी अदरक है साथ में लौंग भी मैंने डाली इलायची भी डाली ताकि चाय का जो है मसाले वाली चाय बन जाए और टेस्ट अच्छा है कितने लोगों को मसाले वाली चाय पसंद है भाई मुझे तो पसंद ही है आप लोगों को पसंद है कि नहीं फिर उसके बाद मैंने चढ़ा दी इंडक्शन पे कढ़ाई और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें तेल तेल हो गया गरम अब अच्छा छन नहीं पकौड़िया तो आ जाओ खाने के लिए और प्लीज़ फ्रेंड मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बड़ों का आशीर्वाद छोटों का प्यार तथा आप लोगों सभी का सपोर्ट चाहिए आपके सपोर्ट से आगे मैं बढ़ सकती हूँ और कल के वीडियो में आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया थैंक यू सो मच होता है दिल से बस ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए और कल की वीडियो में कमेंट आया कि आप दिन में दो वीडियो डाला करो एक वीडियो तो डालने में इतना मुश्किल मुझे पड़ता दो वीडियो मैं कैसे डाल पाऊँगी क्योंकि इस समय तो तबीयत ही ख़राब चल रही और फिर वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस आएगा जैसे कल की वीडियो में आया वैसे मैं कोशिश करूँगी फिर दो वीडियो डालने की फ़िलहाल तो अभी एक ही वीडियो डाल पा रहे हैं क्योंकि एक भी वीडियो देखो मेरे कभी कभी आठ आठ नौ नौ दिन इस चैनल में गैपिंग हो जाते बल्कि फर्स्ट चैनल में इतना गैपिंग नहीं होते मगर इस चैनल में गैपिंग हो जाते हैं बस इसीलिए क्योंकि वीडियो एडिट नहीं कर पाती वीडियो तो रहता मेरे पास एडिट नहीं कर पाती तबीयत ख़राब रहती तो फिर मन ही नहीं करता कोई चीज़ का मन नहीं करता और फिर बच्चे हैं बच्चे परेशान करते रहते हैं तो आ जाओ भाई पकौड़ी खाने के लिए कितने लोगों को पसंद है फिर उसके बाद जैसे आप देख सकते हो मेरा खाना वगैरह सब कुछ हो गया पकौड़ी वगैरह सब बन गई थी ये थे बर्तन तो बर्तन मैं साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि मैं कभी भी जा जितना मेरी तबीयत खराब हो या बहुत ज़्यादा मुझे इमरजेंसी पड़ती है तभी जाके मेरे बर्तन रखे रहते नहीं तो मैं बर्तन रात का रात ही मतलब हाथ का हाथ तुरंत धुल लेती मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि तुरंत बर्तन को साफ़ कर लो सही रहता और बर्तन रखे रहते तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता और ये बच्चे ही कुछ दाल वगैरह थी तो इनको बाहर मैं डाल दूँगी गाय को खाने के लिए और प्लीज़ फ्रेंड अगर आप इसे में नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिक सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और बर्तन तो बहुत ज़्यादा थे मगर मैंने क्या किया पहले कुछ बर्तनों को आधे से ज़्यादा बर्तन मैं साफ़ कर ली तब मैंने देखा कि मेरा कैमरा तो ऑन ही नहीं है फिर उसके बाद मैंने कैमरे को ऑन किया है और अच्छा कल की वीडियो में कल ये भी कमेंट आया था कि आपने वीडियो डाला उसमें वॉइस ओवर नहीं किया पूरा म्यूजिक लगा दिया था क्योंकि कल वीडियो जो रात में रात के दस बजे मैंने वीडियो एडिट किया था और फिर मुझे वॉइस ओवर करने का मन नहीं था और गले में क्योंकि गले में भी खराश टाइप की है प्रॉब्लम है इसके वजह से मैंने वॉइस ओवर नहीं किया उसको ऐसे ही म्यूजिक लगा के पूरा वीडियो ऐसे ही वॉइस ओवर करके वीडियो को पूरा मैं अपलोड कर दी हूँ और बस अच्छा बहुत दिनों से गई जो मेरे पुराने वीवरस हैं वो आजकल ना तो वीडियो देख रहे हैं और ना उनकी कोई कमेंट आए थे उनमें से कुछ लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ जो हमेशा मेरी वीडियो पे आते थे अच्छे अच्छे कमेंट करते थे बट इस टाइम पे नहीं आ रहे तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो को फुल वाच कीजिएगा और वीडियो फुल वाच करने के बाद फिर कमेंट कीजिएगा आधे अधूरे पे कमेंट मत कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इस समय सब्सक्राइबर भी बहुत कम बढ़ रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कुछ भी हो नहीं रहा है क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ और आप लोगों से बात करते करते इतने सारे बर्तनों को मैंने कर लिया है साफ अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि रिक्वेस्ट वीडियो बनाओ अब कुछ लोगों की ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती है बताओ मैं कैसे पूरा करूँ अब मैंने बता दिया जैसे आलता वाले आलता की बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि आलता का वीडियो बनाओ आलता की वीडियो बनाओ मगर उसमें येलो डॉलर आ जाता है इस वजह से मैं आलता की वीडियो नहीं बनाती हूँ फिर उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो बिट्टू के मैंने बालों में लगाए थे तेल और उसके बाद बिट्टू ये लेके रखी है काजर तो काजर में लगाऊंगी बिट्टू को बिट्टू का पहले से मुँह बनना शुरू हो गया <laughs> तो यहाँ पे मेरा बेटा इसको पकड़ता है तब और इसकी मस्ती ये देखो ये देख कैसे पैर से मार रही फिर बेटू को मैंने आवाज़ दिया कि इसको पकड़ो और इसके ऊपर मैंने एक रख दिया पैर और ऐसे पकड़ के हाथों से बेटू भी लगाने लगे इसके पकड़े तब भी नहीं लग रहा था अब देख के हंसी आ रही कि ऐसे ऐसे इसके काजल लगाना पड़ता है क्योंकि कहते हैं ना काजल पहले के युग में और ये घर का बना हुआ काजल है ये काजल खराब नहीं करता है अब उसको बुला रहे हैं कि तुम भी इधर आओ उसके भी तो वो डर रहा था कि मेरे मत लगाना मेरे कांचन नहीं लगाना फिर उसको बुलाती हूँ फिर उसके बालों में उसके भी तेल रखती हूँ अच्छा लगता तेल रख दो हमका कल संडे है सबके अच्छे से बाल धुले जाएँगे ये भी करा था मम्मा मुझे काजल मत लगाना काजल मत लगाना मगर हम लोग हम तीनों लोगों ने काजल लगाए थे नहीं मैंने काजल नहीं लगाया था बालों में तेल क्योंकि हम लोग तो काजल वैसे भी लगाते हैं और तेल सबके बालों में इससे पहले के लोग बालों में तेल वगैरह खूब रखते थे जैसे नानी और दादियों से हमेशा सुनो तो इससे बाल मतलब जो सिर जो रहता मजबूत रहता तो खाली पन नहीं रहता सिरों में अब ये देखो पहले से रोना शुरू कर दिया कि मुझे काजल नहीं लगाना मुझे काजल नहीं लगाना मुझे देख रहा मम्पा कहीं काजल तो नहीं लगा रही नौटंकी इन दोनों लोगों की मैं कह रही थी नहीं लगा लो आज लगा लो फिर नहीं लगाना हफ्ते में एक बार लगाया को सैटरडे को लगाया को संडे को स्कूल नहीं जाना रहता क्योंकि बराबर अच्छे से साफ नहीं होता तो संडे को जाना नहीं रहता फिर मतलब दो दिन में तो फिर निकल ही जाता है अब ये देखो बोल के कैसे भाग गया फिर मैं इसको बुला रही इधर आओ जल्दी से इधर आओ अब ऐसे करके तो गए फ्रेंड आप लोगों के बच्चे भी ऐसे आ, ऐसे मतलब करते हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर इसको मैं बुलाती हूँ जल्दी से आओ इधर जल्दी से आओ तब आया मुंह बनाते हुए देखो आँख नहीं खोल रहा फिर आँख खोलता है तो ऐसे करके फिर आँख खोलेगा तो यही सारी नौटंकी चलती रहती बच्चों के साथ कब दिन सुबह से शाम हो जाता मुझे पता ही नहीं चलता है और ये देखो अब इसके काजर मैंने लगा दिए हैं और ये यहाँ पे टीका इसलिए लगता है क्योंकि नज़र न लगे छोटे <laughs> बच्चों मुझे इसका बचपना याद आ रहा है फिर इसके बाद मैं अपने बालों में लगाने लगी हुई तेल क्योंकि कल संडे है जैसे कि और ंडे वाले दिन बाल धुलने रहते तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग काजल लगाते हैं कि नहीं और ये काजल जो है ये घर का शुद्ध बना हुआ है शुद्ध क्या जब हमारे यहाँ दीपावली होती है जैसे बहुत लोगों को मालूम होगा बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा हमारे यहाँ जब दीपावली होती है तो दीपावली के टाइम पर काजल जो न, मतलब दिए से बनाया जाता है कच्चे कच्चे मिट्टी वाली जो पराई बोलते हैं हमारे यहाँ कच्चे मिट्टी के रहती है उसी में बन बनाते हैं काजर तो काजर बनाते उसको पूरा साल लगाते पहले के लोग लगाते थे बहुत ज़्यादा क्योंकि पहले जैसे मेरे बाबा जी उन लोगों के चश्मे नहीं लगे थे मेरे दादी के चश्मे नहीं लगे थे बस रीज़न ये था वो लोग तो बताते हैं कि जैसे बच्चे की जब छोटा बच्चा रहता नौजात शीस रहता तो उनके आँखों में जो एक रई का शुद्ध तेल होता उसको डालते थे जिससे उनकी आंखें कमजोर ना हो, ऐसा भूलते हैं बट आजकल ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों का काजल लगाना कैसा लगा है बच्चों का प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड और कल मिलते एक अच्छे से वीडियो के साथ तब तक आप अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए और उस दिन देखो मैंने अपने बाल चार चार आंगुल नीचे से ऐसे काट कर दिए क्या कहे जब से मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ उसके बाद से मेरे बाल एकदम से झड़ गए थे मैं एकदम छोटे छोटे बाल करवा ली थी थ्री स्टेप में उस उसके बाद से मेरे बाल बढ़े ही नहीं कि तो ऐसे हमेशा बाल कटवाते रहते थे बढ़ते रहते थे मगर उसके बाद से बाल में ग्रोथ ही नहीं आई तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं करते एंड और कल मिलते अच्छे से